हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर इंडियन ब्लॉग का गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग का। आप सभी को हैप्पी संडे। वाह, आज संडे का दिन है और मेरी तो आदत है, 5:45 बजे उठ गया था मैं और फिल्म देख रहा था तब से। वाह, मज़ा आ गया। वैसे अभी 8:30 बजे उठा हूँ मैं और मम्मी ने छत भी धो दिया आज सुबह उठते ही, और पार्टी बैठी है यहाँ पर। हेलो राम राम छोटो को प्यार। सुबह तो उठने की अपनी आदत है, पापा जी बन गए आदत नेता। की साफ सफाई करती। पापा जी बन गए नेता, कुर्ता पजामा पहन कर सुबह ही। और मैं चलता हूँ अभी, आपको बताया था संडे वाले दिन अपनी कटिंग कराता हूँ, शेविंग कराता हूँ, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी जो है ट्रिम कराता हूँ बाल भी। मुझे सच बताऊँ तो बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं रखने। आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, देखिए सफाई कर दी अच्छे से साफ कर दिया है। और ये देख सकते हैं जो मेरा भी पेट में दिक्कत थी लीवर में, उनकी वजह से अब तो ठीक हो गए, बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। चेहरे पे अपना आप ही दाने दाने से निकलने लगे थे, यहाँ पर भी पेट पर भी। और अभी आपको बताया 3-4 दिन पहले, अब तो ठीक हो गई, अब तो ऐसा नहीं है। तो चलिए चलता हूँ मैं, नाश्ता किया नहीं मैंने, आकर ही करूँगा नाश्ता। तो मम्मी भी नहाने चलती है, टाइम हो गया है, तो वैसे भी 9 बज गए। हाँ, झाड़ू लगाई है। तो चलिए चलता हूँ मैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बात भाई, मम्मी अन्ना तो बना के खा लिए, और अब जब मेरा नंबर है, प्याज काट रही है मम्मी, पहले चिल्ले क्योंकि मैं बाल कटाने चला गया था, इसलिए जो है इन्होंने आके लगे लेना बनाकर खा लिए। और मेरे लिए बन रहे हैं बेसन के चिल्ले। आज संडे है, कुछ तो स्पेशल हो जाए, कुछ ठंड भी है बिल्कुल, इसलिए मेरा मन करा कि आज मैंने चिल्ले बना कर देती हूँ, और हम तो बना कर खाते थे, ये अब लेट आया। तो सच बताऊँ मुझे पसंद है चिल्ले, और प्याज वाले तो ज़्यादा पसंद है। देखिए मिर्च पीस के रख रखी है, पहले ही मैंने पेस्ट बनाकर, अदरक और मिर्च का, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं ऐसे। ये देखिए बेसन, ये हमारा शादी का मचा हुआ है, शादी का फायदा पूरा उठाया है पूरा फायदा उठाया है शादी का। बहुत सारा सामान बच गया था हमारे, 2-3 तो जो रिफाइंड गया वो बच गए थे, वो उठा के रख रखे हमने। हम अब यूज करते हैं तेल। ये देखिए हल्की हल्की करा करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कटवाता, आपको पता है कि मैं बड़े बाल ही रखता हूँ, और बस यहाँ से हल्के से और हल्के हल्के से इसे बड़े बड़े कटाए ऊपर से, और ये हल्की करा ली है मैंने, और बेसन निकाल लिया है मैंने। अब तो मैंने जो है अभी नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और संडे में अंडे हो रहा है। ये अदरक जो अदरक का पाउडर है, और थोड़ी सी हल्दी डाल रही है हमें साथ में, मज़ा आ जाएगा। साथ में बरसात हो रही है, कपड़े मशीन चल रही है। हाँ, आज वर्षा ही बोला है कि चिल्ले वर्षा को, आज मैंने चिल्ले बनाने सिखा दिए। चेर, ये हुई ना बात, ये था सरप्राइज। ये बोल रही थी मम्मी मेरे को चिल्ले बनाने नहीं आते, आज मैंने सब बना के, ये है सरप्राइज, सबको बना कर खिलाए अपने भाई को, सौरभ को, पापा को। ऐसा क्या, वाह भाई वाह। आ गया मोर्चे पर अब ये देखिए तेल डाल दिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, देखते हैं वर्षा कैसे बनाती है आज। अच्छे बनने चाहिए बिल्कुल, वरना फेल कर दूंगा तुझे आज मैं। उससे पहला नहीं, मैंने इससे कर दिया, मैंने इससे करा थे, फेल नहीं होने की मैं, वो तो देख के अब खाने के मामले में मैंने फेल होना नहीं सीखा, और जब मैं किस बार
सर देखे बिल्कुल गोल बना है और रेडिश हो गया है, इतना अच्छा हो गया कसम से, मजा आ गया देख के। वर्षा इतना अच्छा बना सकती है, कांट बिलीव। बिलीव करना पड़ेगा, हर एक चीज में बिलीव करना पड़ेगा। इतना अच्छा बनाया है, मजा आ गया। और मम्मी ना देखना और भी मिर्च काट के डाल दिया है और अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मास्टर शेफ अपने घर की शेफ बन गई मैं। देखिए कितना अच्छा बना हुआ, इसको धीमी धीमी आंच में सेकेंगे ताकि कच्चा ना रह जाए, वरना खाने में अच्छा नहीं लगेगा। मेरे तो मुंह में पानी आ गया देख कर, अब तो बस कब बनेगा कब खाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी बन जाए बस। ये देखिए बनकर हो चुका है रेडी। वाह, देखने में तो टेस्टी लग रहा है और बस सब खाकर देखना है कैसा लगता है। भाई वाह, कसम से मजा आ गया खाकर, ओसम ओसम बना है, ओसम टेस्ट है। प्याज का भी और मिर्ची डली है जो, मजा आ गया। टेस्टी बना था कि सिर्फ एक मिनट भी नहीं लगाने दी मैंने, इतनी जल्दी खा गया मैं। अभी तक दूसरा सिखा भी है। और ये देखे दूसरा ही, दूसरा तो एक तरफ से सिखाया अभी, कसम से बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया यार, बहुत ही ज्यादा। फिल्म का तो आता ही था बनाना और वर्षा भाई भी आ गया बनाना, सच में टेस्टी बनाया है। ये बेचारी पूरी कोशिश कर रही है कि फिर हम याद ना आ जाए हमें, इसलिए रसोई में काम कर रही है। हाँ, खाना तो टेस्टी बनाता ही है वर्षा, और पनीर और चाप तो ओसम बनाती है, ओसम। फिल्म के बर्थडे बनाएगी चाप, फिल्म आएगी वही थी फिल्म के बर्थडे पर, आने वाला है उसका भी जल्दी बर्थडे। जय दिन है थोड़ी जल्दी, भागा भागा आ रहा है तोड़ तोड़ कर। तो बर्थडे आते रहेंगे किसी ना किसी के, मेरा भी आएगा भी आगे जल्दी ही, आपको नहीं बताएंगे कब आएगा लेकिन आएगा जरूर जल्दी। या हेलो, तो दोस्तों मैं हूँ आज बना रहा हूँ, भूख लगी है तो खिचड़ी बना रहा हूँ, आपको पता ही है मैं पसंद है। मम्मी को कहते हैं कि मैं बनाऊंगा, मम्मी जो है अभी दावत में सही है, मम्मी दावत तो है अपना, आप तो खाया ही, हम यहाँ भूखे पड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं। आ गई यहाँ जो एक लड़की है तो वो मेरे साथ पढ़ती थी तो उसकी सगाई थी आज, तो वहाँ पर गई थी मम्मी, मम्मी को इन्विटेशन आया था तो मम्मी गई थी, तो अभी जो है मम्मी तो अपना पेट भर जाए हम खा लेते हैं। वर्षा भी बैठी है तो अभी सबको खिलाकर बनाकर खिलाता हूँ। तो देखिए टमाटर और ये मटर, और मम्मी चावल जो है साफ कर रही है, तो जो है अभी इसमें तेल डाल लेता हूँ थोड़ा सा कुकर में। ये देखिए रिफाइंड डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और ये जीरा डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, मिर्ची का और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये देखिए हल्दी भी डाल दी है अब मैंने इसमें, नमक और गरम मसाला भी डाल दिया है इसके अंदर मैंने। अब मैंने अभी कुकर ढक दिया है, इतने मैंने मसाला बनाया है वो अभी जो है पक जाएगा, मैंने इसको ढक दिया है आराम से। तो जो है अभी इसके अंदर गैस बनकर अच्छे से, जो टमाटर है वो मैंने कद्दूकस नहीं किए, वो बस मैंने जो है ग्राइंडर नहीं किए, वो इसमें पकाऊंगा मैं अच्छे से, जो है अभी भाप बनकर जो है वे गल जाएंगे आराम से। और अभी वेट करते हैं, फिर मैंने इसमें मटर और जो है चावल डाल दिया है इसके अंदर, अब इसको हम जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें फिर पानी ऐड कर देंगे, तो अभी देखना आप। तो देखिए हमने पानी जो है इसमें ऐड कर दिया है, अब इसको बंद करते हैं, तो अभी जो दो सीटी बाद जो है जो हमारी खिचड़ी है वो तैयार हो जाएगी, तो देखते हैं टेस्ट बाद में कैसा बनता है। ओके, तो दोस्तों जो है मैंने
ढक्कन बंद कर दिया कुकर का और गैस तेज कर दी है। अब देखते हैं दो सीटी के बाद कैसी बनती है खिचड़ी, तो वेट करना होगा हमको। मम्मी को जो है बैठा दिया है, मम्मी कर रही है अभी काम और दावत से आई है मम्मी, तो मम्मी तो पहले ही जो है अपना खाना खा रही है। और ये देखिए ये लगी पड़ी है मुजफ्फरनगर बात करने के लिए, तो मम्मी जो है साफ सफाई कर रही है, जो खराब सामान था वो सब फेंक रही है। देखिए मैंने बंद कर दिया है और जो है खिचड़ी हो चुकी है, तो अभी थोड़ी देर में खोल कर दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर स्टीम है, जो स्टीम होने दो तो थोड़ी देर में आप खोल कर दिखाऊंगा इसको। वेट कीजिए आप, मम्मी जो है इसको ओपन करेगी तो आप देखना खिचड़ी कैसी बनी है। देखिए भाई वाह, देखो कितनी अच्छी बने है, भाई वाह मजा आएगा भाई, उपास होगा। तो अभी खाकर भी देखने टेस्ट कैसा बना है। तो जो है कान्हा जी के, जो है हमारे कान्हा जी है गुड़ल्टू गोपाल जी, उनके लिए निकालेगी मम्मी अब, क्योंकि इसमें प्याज नहीं डाली हमने, हम प्याज का जो खाना है कान्हा जी को नहीं देते लड्डू गोपाल को अपने को। तो अब जो है खाकर देखते हैं कि कैसी बनी है। तो लड्डू गोपाल की जो है मम्मी अभी अलग से निकाल देगी, लड्डू गोपाल की थाली में निकाल रही है मम्मी अलग से खिचड़ी। लड्डू गोपाल के बर्तन अलग ही रख रखे हैं। सही है मम्मी जी, होने भी चाहिए, अलग ही रख रखे हैं, उनका रैक भी अलग ही बना रखा है उधर साइड में, पूरा सेट है उनका। ये वाली चम्मच सही, थोड़ा सा वो बिगेर दो जी जी खाना जी के खिचड़ी में। भाई वाह कितनी अच्छी बनी है, देखने में तो अच्छी बनी है, आप खाकर भी देखनी है कि कैसी बनेगी। फिर देखिए मम्मी जो है घी डाल रही है खाने के लिए खिचड़ी में, चलो देखिए अब मम्मी जो है खाना जी को भोग लगाने जा रही है। ये बैठे हमारे खाना जी छोटे से, तो जो है खाने के साथ जो है मम्मी तुलसी के पत्ते भी देती है। तुलसी के पत्ते के बिना भोग अधूरा माना जाता है खाना जी का। दीदी अब इनको जो है अकेला छोड़ देंगे, ढक देंगे इनका खाना, तो जो खाना जी हमारे जो है भूख लगा लेंगे। बर्तन डाल दिया है, देखता हूँ मैं खाकर कैसी बनी है। सच बताऊँ जो है खिचड़ी जो है मैंने अभी एक चम्मच खाई है, इसमें जो है थोड़ा सा हल्का सा ही नमक कम है, वर्षा वरना बनी बढ़िया है, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बस हल्का सा नमक, वरना टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। चलो मेरा बनानी तो आ गई, हल्का सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक दे दिया बस मुझे को। तो चलिए मैं जो है खाना खाकर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए तो मैंने जो है खिचड़ी बनाई वो रेसिपी कैसी लगी, मैंने सही बनाई या नहीं आप ये भी बताइए। वर्षा कैसी बनी? नमक इसने बोला था कि हल्का मैं डाल के लेके आई थी, तो मुझे मस्त लगी खिचड़ी। और हाँ तो अच्छी बनी है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करने के बाद बराबर बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसको जरूर ऑन कर देना, ऑन करते ही तीन ऑप्शन खुलेंगे तो ऑल पर जो है आपको क्लिक करना है, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जाकर सबसे पहले फर्स्ट व्यूअर और फर्स्ट कमेंट कीजिए, और हाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में से जाकर इंस्टाग्राम पर। तो बाय बाय, अपने अपने फैमिली का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। राम राम जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, बाय बाय।